बेटे आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया, अच्छा ही लगना चाहिए ना। बहुत अच्छा है मंदिर भी, बहुत प्यारा है, मूर्ति बहुत प्यारी है। बाबा बालाजी महाराज की स्माइल वाली ऐसी मूर्ति पहली बार है। तो आपको आनंद आया यहाँ? हाँ, बहुत आनंद। तो चलिए दोस्तों, ये मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम। देखिए दोस्तों, ये हनुमान जी की मूर्ति ऊपर है, जो हमने आपको मानव रूपी हनुमान जी हैं ये, और वर्ल्ड की पूरे संसार की पहली प्रतिमा है दोस्तों ये। और ये अगर ये महाराज जी बैठे हैं। महाराज, वैसे आपका नाम क्या है? रामेश्वर कहते हैं। रामेश्वर, तो महाराज हमारे जो दर्शक हैं उनको आप आशीर्वाद दो, और वो भी इस कोरोना के टाइम में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। प्रभु का ध्यान रखो, भगवान का ध्यान रखो, सब मस्त रहो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। हम ये कहते हैं कि आप सभी चैनलों को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद है आपके चरणों का आशीर्वाद है आपको, और स्वस्थ रहो, आराम से भगवान का ध्यान करो। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। हमारो दावा था, हम कहते मरोगा ही कोना देख लो। ये देखे दोस्तों, इधर ये भी बना हुआ है, एक कमरा नुआ, और ये देखो ये पहाड़ी के ऊपर से पूरे विराट नगर का कुछ ऐसा दिखता है। ये धुंध छाई हुई है बारिश की वजह से दोस्तों, तो इस फर्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ये देखिए मंदिर के नीचे वो टेंट लगी हुई है जो हमने आपको भीम लता दिखाई थी। चलो, तो ये लो दोस्तों, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर में आ चुके हैं हनुमान मंदिर में। और ये इधर पानी की कुई है पहाड़ी के ऊपर चोटी में, लेकिन इसको सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। ये देखिए, सर आप कब कहाँ से आए हैं? सर नीमराणा से पहली बार आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये मंदिर? बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारी है बाबा की, मानव रूप में ही। हाँ, बहुत अच्छी। और बच्ची, मानव रूप में। बेटे आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया, अच्छा ही लगना चाहिए ना। बहुत अच्छा है मंदिर भी, बहुत प्यारा है, मूर्ति बहुत प्यारी है। बाबा बालाजी महाराज की स्माइल वाली ऐसी मूर्ति पहली बार है। तो आपको आनंद आया यहाँ? हाँ, बहुत आनंद। बस ये देखें, अरे भाई बता यार, मेरी अभी जवान में निकल गई यार। तो चलिए दोस्तों, ये मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम। ये देखिए, ये हनुमान जी की प्रतिमा है बहुत बड़ी, और ये पहाड़ी के ऊपर चोटी में है, ये भीम के गट्टू के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और ये इधर ये महाराज जी बैठे हुए हैं। ये मामा जी आए हैं, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। भगवान
अरे बुलाया यहाँ ले आया। महाराज हम भी यहाँ आने की बहुत सोच रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन हनुमान जी महाराज ने बुलाया ही नहीं। अब जाके ये हो रही थी कि भाई आज चले वो फिर देखेंगे फिर चलेंगे फिर देखेंगे, बस ये हो रहा था। हो रहा था नहीं हो रहा था। एक बार तो हम बीच दिन बताए पास आ गए और फिर आने के बाद में हम वापस वापस चले गए। आपके दिमाग में दो बात हो गई ना, आपका मन दोगुना हो गया ना, चले नहीं चलेंगे आप चलो वापस। आपने तो मन को नहीं बताया ना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपके आपके दो मनो हो गए। तो महाराज जी हनुमान जी और उनकी सेवक आप, तो आप बताइए महाराज के बारे में। चौधरी आप यहाँ ऐसा जी की कानून में अज्ञात होता है, 12 साल होगी मिला के आए थे 23 साल यहाँ पे। तो ये जो 5 घंटे हैं, 5 घंटों के नाम से प्रसिद्ध है, 5 घंटों के नाम से भी है, भीमगिरी नाम से प्रसिद्ध है, पंचखंड पीठ पर होती भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पांडवों ने सुखने के लिए ही पत्थर रखे जातवा था उनका, तो 12 सालों में मिला के आए थे 23 साल यहाँ पे। तो यहाँ जब राजा कुमार पड़ गए अपनी पहाड़ी को बिल्कुल छुटके दे रहा है, तो कुछ बोल रहे या कुछ बच रहे थे या कुछ खून ये खून है खून। तो राजा ने इनको बुलाया, इनको बुला करके पांचों भाई दो पहाड़ों से छुट्टी भी जोड़ दी। सबको बुला करके इनको नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम नाम बताया, बचपन से नाम नहीं होता जैसे भीम था, भीम ने अपना नाम बताया, अर्जुन था, अर्जुन ने अपना नाम बताया जंगला, और द्रौपदी ने बताया शैलेंद्री। हाँ शैलेंद्री को पांचाली को ऐसे सबों ने अपना नाम छुपा करके रखा, उपनाम बता दिया। तो राजा विराट की हाई उन्होंने नौकरी की, और जब उनकी नौकरी पूरी हो गई वो जहाँ से चले गए, उसके बाद में महात्मा रामचंद्र जी महाराज हुए, उन्होंने गट्टों के ऊपर तपस्या की। और उन्होंने तपस्या की तो उनको ये प्रतिमा आई दो बार सुप्रम की खड़ी, आप और हम जैसे वार्तालाप करें वैसे वार्तालाप करते थे, एक रोज ही नहीं रोज ही करते थे, हमेशा ही करते थे दर्शन दिए। और उन्होंने राखन दिया इस तरह पानी की चोटी के ऊपर रखे चोटी, ये जो नीचे गट्टे टाइप है इनके ऊपर में ही, हाँ गट्टों के ऊपर ही मंदिर बना। सूर्य की सबसे सूर्य की मूर्ति वो है उस मंदिर छोटी वाले हाँ, और उसके बाद में ये सब वीर जी महाराज। चलिए महाराज हनुमान जी ने हमको भी बुलाया और ऋषि भी यहाँ आए, तो आपका सुना दो था? मेरा नाम हरी सिंह है। बहुत बढ़िया भगवान आपका आगम प्रवेश किया, आपको यहाँ लेके आए, आपके दो मनो हुए थे। सर ये महाराज जी बैठे हैं, महाराज वैसे आपका नाम क्या है? रामेश्वर कहते हैं साहब। रामेश्वर, तो महाराज हमारे जो दर्शक हैं उनको आप आशीर्वाद दो, और वो भी इस कोरोना के टाइम में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। प्रभु का ध्यान रखो, भगवान का ध्यान रखो, सब मस्त रहो, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। हम ये कहते हैं कि आप सभी चैनलों को सब्सक्राइब कर लो और बहुत अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद है, आपके चरणों का आशीर्वाद है आपको, और स्वस्थ रहो आराम से, भगवान का ध्यान करो। जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम। तो चलिए दोस्तों अब आपको हम नीचे लेकर चलते हैं, और ये मानव रूपी हनुमान जी हमने आपको दिखा दिया है अच्छी तरह से पहाड़ी की चोटी के ऊपर आके। ये देखिए ये मंदिर कुछ ऐसा बना हुआ है, ये इधर हनुमान जी की
आरती होती है सुबह शाम, जो ये मशीन से चलाई जाती है और अपने आप ये डमरू बजते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बाहर चलते हैं। और यहाँ पे ये वीर जी महाराज की गद्दी है दोस्तों, और ये वीर जी महाराज के चरण पादुका हैं दोस्तों, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। ये देखिए 161 दिन गाय घाट भगवान शासन किया, 160 दिन दिल्ली में शासन दे गए थे गाय घाट भगवान। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने 161 दिन तक आमरण अनशन किया था कि गाय नहीं कटे। और ये देखिए इनकी चरण पादुका और ये इनकी प्रतिमा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इस मंदिर के नीचे हमने आपको महाभारत काल में भीम के लात मारकर निकाली हुई पाताल तोड़ भीम लता दिखाई, और पास ही बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे भीम गुफा व बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर दिखाया। वो सभी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को एक बार क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, जिससे कि और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो फिर चलिए दोस्तों यही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।